आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे एक इंसान को चाहिए क्या एक इंसान को चाहिए कि मेरे साथ लोग खड़े हों मेरे मुझे सपोर्ट करें है ना मेरा कहीं ना कहीं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेरे एसेट बने एसेट मतलब मतलब मैं कहते ना गाड़ी बने बंगला बने मैं पैसे पूसे जमा होए मतलब कि मज़ा है कि चल भाई ज़िंदगी में कुछ किया है सीधी बात है लेकिन कुछ लोगों को वो होता नहीं हो नहीं पाता पैसा बहुत कमाया है पैसा बहुत कमाया है लेकिन आज अगर देखते हैं कि कुछ बनाया है ना उस जमा पूंजी कुछ जमा पूंजी इकट्ठी हुई नहीं इकट्ठी हुई सीधी बात है कोई पूछने वाला नहीं कोई हाल पूछने वाला नहीं सपोर्ट लोगों के मतलब कहते ना कितने भी वो तरले कर लो लोगों के आप सपोर्ट में आ जाओ लेकिन मजा लेके कोई आपको सपोर्ट कर जाए सीधी बात है अब ना मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ यहाँ पर जो हम एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ रहे हैं वो किस प्लेनेट का पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं मून का लेकिन जैसे आपको हमेशा एक चीज समझाई है कि अगर चालीस परसेंट हमारी वो कहते हैं ना पतरी होती है तो 35 परसेंट हम अपने वास्तु को कहीं निगेट नहीं कर सकते सीधी सी बात है आप समझे अब जैसे हमेशा हम लोग सुना है कि जैसे हम लोग कलर वेस्ट में हम इधर उधर सुनते हैं कि वेस्ट में यू कैन पुट व्हाइट कलर यू कैन पुट ब्लैक कलर यू कैन पुट ग्रे कलर ओके ओके यू कैन पुट इफ यू पुट वाइट कलर एंड इफ योर मून इज नेगेटिव मतलब अगर आप व्हाइट कलर अपने वेस्ट डायरेक्शन में डाल देते हो और अगर आपका मून नेगेटिव है तो धजिया ना उड़ गई तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं मून किस घरों में नेगेटिव हो जाता है छठा घर आठवागर घर बारवा घर 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 बराबर इसमें मून अपनी जो क्वालिटी है वो कहते हैं घर समझे ये यहां पर जो मून है वो कहीं ना कहीं वीक पोजिशन में कहीं ना कहीं कही आ जाता है अब छठा घर अगर हम वास्तु के माध्यम से जाना जाए तो कौन सा हुआ छठा इज नॉर्थ डायरेक्शन आठवा घर इस साउथ वॉल दसवा घर हो गया क्या कहते हैं आपका वेस्ट डायरेक्शन ग्यारहवा हो गया आपकी वेस्ट की वॉल बारवा हो गया साउथ ईस्ट अगर इसमें आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही पहली बार सुन रहे होगे इतनी डिटेलिंग में चैलेंज है ओपन चैलेंज कोई नहीं बताएगा अगर इन आपके नॉर्थ में आपके साउथ वॉल में आपके वेस्ट वॉल में आपके वेस्ट डायरेक्शन में आपके साउथ ईस्ट में व्हाइट कलर का आपने पेंट अगर किया है या व्हाइट कलर आपके सोफो में है इसके में उसके में वॉट्स एवर इट इज धजिया उड़ेगी यहां पर तो मून मून भी चंद्रमा भी खराब हो गया जो भाग्य का कारक है सीधी बात है एसिड बनाने वाला चंद्रमा है लोग हो सकता है बहुत पैसा कमा लियो लेकिन अगर चंद्रमा भी खोएगा वो जुड़ नहीं पाएगा वो घर का सुख लेने नहीं देगा वो एक स्टेबिलिटी लेने नहीं देगा वो मन भटकाएगा वो वो लोगों से सपोर्ट लेने नहीं देगा और समझे लोग एक घर में थे बड़ा जबरदस्त चल रहा था मामला एक घर पे आए नहीं इतने झगड़े बाप रे बाप 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 रे मतलब झगड़े वो जो कहते हैं ना बाल घसीट के मतलब क्या बोले चिल्लम चाटी गाली गलाश तेरी ऐसी तेरी वैसी मतलब क्यों क्योंकि जो एंट्रेंस है एक होती है नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस बाबा वो ठीक बात नहीं है नॉर्थ वेस्ट की एक एंट्रेंस होती है अराउंड 300-310 डिग्री के करीबो करीब मान लो थोड़ा सा मैं डिग्री फिर भी कंफर्मेशन के लिए लिख दूँगी आई थिंक मेरा ख्याल है यही है मतलब वो एक तो झगड़े कराती है ऊपर से अननेसेसरी फाइट्स देन डेथ पतरी में वो चीज़ नहीं थी पत्री में बाबा वो चीज नहीं थी मान लो मान लो बहुत कुछ होता है तो ये वाली जो एंट्रेंस है वो कहता है ना यहाँ घुमाएगा वहां घुमाएगा जो लोग बोलते हैं कि भाई जैसे नॉर्थ वेस्ट है एंट्रेंस वो क्या कहते हैं बैंकर्स के लिए बहुत अच्छी है बैंकर्स के लिए फैक्ट है पर बैंकर के लिए ये स्पेसिफिक एंट्री मैंने मैंने सुना है लोगों के मुंह से भाई मैंने सुना है बैंकर के लिए नॉर्थ वेस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है बैंकिंग सेक्टर वाले लोगों के लिए तुम क्या लोगों को तुम क्या बता रहे सिखा रहे बिल्कुल ठीक नहीं वो जिसका जो नेचर है वो तो वो आपको देगा ही ना अननेसेसरी फाइट देगा डेथ देगा मरने के लिए काय को छोड़ रहे वो जो हम अगर देखें तो कौन सी जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज फाइन नॉर्थ इज आल्सो फाइन जीरो डिग्री के फाइव डिग्री के बीचों बीच बढ़िया मतलब बढ़िया मामला थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव डिग्री से थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव डिग्री के बीचों बीच बढ़िया मामला मस्त है लेकिन ये वाली चीज नहीं तो अगर आप कल भी एक मैंने कमेंट देखा था दीदी आप अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बताते भाई जब प्लैनेट पॉजिटिव होना शुरू होता है मेरी जान वो तो हर चीज में ही पॉजिटिव करेगा ना सीधी बात है हमारा जो कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा हमारा मन भटक रहा है लोगों से हमको सपोर्ट नहीं चाहिए और सपोर्ट चाहिए लोगों से हमको सपोर्ट सिर्फ एक चीज में नहीं होता हाँ हां मैं तेरे साथ हूं हमको इस यूनिवर्स का इस ब्रह्मांड का सपोर्ट चाहिए हमें अपने क्लाइंट्स का सपोर्ट चाहिए हमें अपनी कंपनी का सपोर्ट चाहिए एवरीबडी नीड सपोर्ट और अगर यहां पर ये चंद्रमा अगर वीक होएगा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपकी ये जो नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस बोली है ये भयंकर है भाई साहब फिलहाल के लिए सफेद कलर की टेप दो से तीन इंच की लगा दो अगर ये वाली एंट्रेंस है पहली चीज तो लेकिन उससे बात मतलब थोड़ा हाई डिग्री वाली चीजें करते हैं एक तो ये जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताए हैं देखो साफ सी बात है वाइट कलर आपके वेस्ट में है मून आपका नेगेटिव है तभी तो बोलती हूँ वास्तु के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु अधूरा ये जो बिल्कुल ही ज्योतिष को निगेट कर देते हैं आजकल के वास्तु कंसल्टेंट कसम से काई को कर रहे हैं तुम तुमको नॉलेज नहीं है वो अलग बात हो गई लेकिन इस चीज को नजरअंदाज कैसे कर सकते सीधी सी बात है आप समझे तो अब सबसे पहली चीज अच्छा एक चीज बता दूं एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है अब लास्ट वीक ऑफ जून वाले बैच के लिए तो जो इंटरेस्टेड होंगे व्हाट्सएप करना मैं कॉल नहीं उठा पाती अब आपको एक मैं क्रिया बताती जबरदस्त सी बहुत जबरदस्त एक बताऊंगी आज बस आ, ये सारी अगर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है वैसे तो अपना देख लेना वॉल्स चेक कर लेना है ना मैंने जो जो बताई है पीछे जाना वीडियो एक बार देख लेना प्रॉपर कंपास खोल के अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाने का पता चल जाएगा कौन कौन सी वॉल पे हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी हुई तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि अगर आपका मून नेगेटिव है और वेस्ट में वाइट कलर कर दिया तो आपने शनि और चंद्र का मेल करा दिया ना तो वो क्या करेगा डिप्रेशन दे दे देगा वो क्या करेगा वो कहते हैं ना जो श्रापित पतरी वाला जो जितना प्रभाव है आप हंड्रेड परसेंट का एफर्ट कर रहे हो आपको पांच परसेंट मिलना दस परसेंट मिलना सौ का सौ नहीं मिलना पैसा जुड़ नहीं पाएगा इधर भटक रहे उधर भटक रहे भटक रहे भटक रहे कुछ काम बना कुछ ना बना जो लोग भी ऐसे मिलेंगे बिल्कुल थर्ड क्लास थर्ड क्लास बोले तो हाँ हाँ हम आपका काम करा देंगे बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे आप उसके पीछे लगे रहे लग रहे नहीं नहीं है ना घर पे कभी पकौड़े तल के जा रहे हो उनके घर पे मिठाई लेके जा रहे हो हम हमारा काम कराएगा इसको ना थोड़ा अपने अंडर ही रखो बिल्कुल इसको इंप्रेस करके रखो आप बिछते चले गए बिछते चले गए हाथ है कुछ ना तो क्या फायदा ऐसे लोगों का करना क्या हमको चाहिए वो लोग आए जो वाकई में कहते हैं हमारी जो जर्नी है हमारी जो पोजीशन है उसको बढ़ोतरी है। है, अब क्या करोगे आप कहते कहते हैं हैं बहुत जबरदस्त ना चांद सा रोशन चेहरा किस्मत का रंग सुनहरा वाह मतलब कहते हैं ना आपके अंदर भी एक वो जो आकर्षण होता है ना आकर्षण मतलब वो आएगा कसम से कहते हैं ना हमको ऐसा हमारा और होना चाहिए कि लोग हमसे प्रभावित हो कई लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं चुप करना यार फिर पका रहा है <laughs> होता है ना और कई लोग बिल्कुल मूर्ख बातें करते हैं बिल्कुल नॉनसेंस क्या बात करी वाह 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 क्या क्या बात करी ऐसा क्या क्या है डिफरेंस क्या है चंद्रमा का डिफरेंस हो सकता है सूर्य का डिफरेंस हो सकता है शुक्र का सीधी बात है तो अब हमने क्या करना है अब आपको मैं बताती हूँ आपने ना धूप पहले तो एक सामग्री इकट्ठी करो आप है ना आपने क्या करना है एक धूप थोड़ी सी धूप थोड़ी सी गुगल थोड़ा सा दूध थोड़े से चावल थोड़ा सा शहद ये आपकी सामग्री हाँ कपूर भी ये आपकी सामग्री बन गई ठीक है इन चीजों की आपकी सामग्री बन गई वैसे तो कोशिश करना जो हम समिधा लेंगे वो बेल की अगर लकड़ी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा बेल की जो लकड़ी होती है बेल की जो समिधा होती है बेल का देख लेना पेड़ किधर है उसकी समिधा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा बट ठीक है कोई बात नहीं अगर ना मिले तो फिर हम नॉर्मल गायकोपलाई यूज कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आम की लकड़ी भी कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है कोशिश करके देखो मैं फोर्स नहीं कर फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो अपना वो सब कहाँ है कि हम अपने छत पे जा सके? नहीं है यार तो अगर जो छत पे जा सकते हैं चंद्रमा के सामने बैठते आसन बिछाओ जहां पर आपको चंद्रमा दिख रहा हो मतलब एक पहले तो चांदी के बोल में थोड़ा सा जल भर लो जो पीने वाला होए ठीक है और अगर नहीं है तो मिट्टी के पात्र में छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल के बैठ जाओ अपने साथ में चंद्रमा को देखते 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 बस हमने बेल की लकड़ी या फिर गाय को पहला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दी हमारी जो समिधा है वो वो क्या सामग्री हमारे तैयार बैठे हम अब बस उनको देखते-देखते-देखते-देखते ये बड़ी साधना है बड़ी पावरफुल है बहुत पावरफुल है कसम से असली चीज बता रही जिनके बाबा जिनके नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस भी है आप अगर ये घर पे करते कसम से आपको बहुत फर्क दिखेगा चंद्रमा जिनका नेगेटिव आप करके तो देखो वो जो बेचारे बड़े सेंसिटिव है लोग बोलते रोज रो क्वॉट्स पहन लो अरे और ही हो जाओगे ये पहन लो क्रिस्टल हां लव यू कैन अट्रैक्ट लव बाय वेयरिंग रोज क्वेश्चन यू विल फील मोर वीक व्हाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दिस और कुछ प्यार आया नहीं तो रोज कोट्स पहन ले है। वो इतना इमोशनली तो डाउन है वो तो और इमोशनली डाउन हो जाएगा कुछ भी नहीं पहना जाता कुछ भी नहीं पहना जाता तो अब हम बैठ जाएंगे चंद्रमा को देखते 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 फील करो बाबा फील करो फिर बस शुरू हो जाओ ओ... नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे जैसे आपने पहले आपने टोटल पता नहीं कितना करना है कितने दिन तक करना है जब आपका टोटल वन सेवन टू एट बारी हो जाए वन सेवन टू एट बारी आपका जब ये हो जाए तो जैसे पहले दिन एक सौ आठ कर दिया फिर थोड़ा और बढ़ा दो उतने दिन तक एक साइकिल चलेगी उसके बाद फिर थोड़ा गैप दे दो, दो चार दिन का पांच दिन का एक हफ्ते का फिर कंटिन्यूटी में कर दो अब सबसे पहली चीज़ कि वो जो चांदी के बोल में हमने पानी रखा उसका हम क्या करें इसके बाद में हम तुरंत वो पानी पी जाएंगे वन सेवन टू एट की साइकिल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एक दिन एक सौ आठ करो फिर उसके बाद जैसे वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स बार कर लिया फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके कर बढ़ा दो जितना भी हो जाए एक दिन में लेकिन पहले दिन एक सौ आठ बार जरूर होना चाहिए उसके बाद थोड़ा 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 बढ़ाते जाओ वन सेवन टू एट टोटल होना चाहिए इस चीज को ध्यान रखना आपको पता है इसको क्या कहते हैं चंद्र किरणों का वशीकरण चंद्रमा आपको हिसाब नहीं ये जो चीजें हैं ये क्या लेवल की चीजें हैं वो तो खैर खुद भी पता चल ही रहा होगा अब जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे कि क्या है ये है वो है तुमने फिर वही बात इलाजों की कमी नहीं इलाज में बहुत है आप करने वाले बनो रोज एक एक चीज ऐसा सैकड़ों चीजों के टक्कर टक्कर की बता दूंगी कोई घबराने को वाली बात नहीं ठीक है चलो फिर जो जिनको वास्तु क्लास अपना सीखना है करना है ये क्या कहती हैं मंथ एंड में तो वो WhatsApp करना कंसल्टेशन के लिए WhatsApp करना फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना सीधी बात है, हेल्प शायना सेट करेगी के माध्यम से और जब लाइव आएगी तो हंड्रेड परसेंट बोलने वाली बात नहीं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो को लाइक करो शेयर करो इसलिए करो सबकी जिंदगी नमस्कार